हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली फॉर लर्नर्स। आज का जो सब्जेक्ट है वह है साइंस और टॉपिक है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। मैं इस टॉपिक को आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो के आखिरी में एक एडिशनल फैक्ट मिलने वाला है, इसीलिए आप वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा जिससे कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए और आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो फूड हम खाते हैं यानी जो भोजन हम खाते हैं वो दो सोर्सेज से मेनली आते हैं। पहला है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स, यानी कि हम जो कुछ भी दिन रात को खाते हैं अपने डेली लाइफ में खाते हैं, चाहे तो वो प्लांट्स से आया होता है या एनिमल्स से आया होता है। ऐसे भोजन जो प्लांट्स से आते हैं जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस एंड सीरियल्स। और वो भोजन जो एनिमल्स से आते हैं जैसे कि एग, मीट, मिल्क, बीफ, फिश, चिकन, पॉक, प्रॉन्स। अब बात करते हैं प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, यानी कि ऐसे कौन से प्लांट पार्ट्स होते हैं जिनको हम फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फूड के तौर पे हम उन्हें खाते हैं, और एनिमल प्रोडक्ट्स या ऐसे कौन से एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उनका हम इस्तेमाल सोर्सेस ऑफ फूड के तौर पे करते हैं, जैसे कि उनके अंदर सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं। अब बात करते हैं एनिमल्स के बारे में, यानी एनिमल्स के जो कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल हम फूड के तौर पे करते हैं, जैसे कि एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं, मीट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन पीपल्स होते हैं जो कि एनिमल्स को मीट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ़िश हो गया, चिकन हो गया, ठीक है। अब एग भी होता है, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट्स में। जो काउज होते हैं यानी कि गाय, बकरी जिन्हें गॉड्स कहा जाता है, बफेलोज, भैंस, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो एनिमल्स हैं, इनका इस्तेमाल जो है हम मिल्क लेने के लिए करते हैं, यानी कि ये जो एनिमल्स है काउ, गोट, बफेलोज, इनसे हमें मिल्क मिलता है। जो मिल्क है और जो मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़ और कर्ड, ये एक एनिमल प्रोडक्ट्स में आएंगे। ऐसे कौन कौन से प्लांट पार्ट्स हैं जिनका हम फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं? जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके हम अलग अलग हिस्सों को, उनके अलग अलग पार्ट्स को हम फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल जो है हम अलग अलग फूड के तौर पे करते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट या ऐसा प्लांट फूड जिसका इस्तेमाल हम रूट के तौर पे करते हैं, यानी कि वो रूट का एक पार्ट होता है, तो जैसे इसका एग्जांपल होता है कैरेट, रेडिश, ठीक है, स्वीट पोटैटो, तो ये एग्ज़ाम्पल है प्लांट प्रोडक्ट का जो कि एक रूट है। अब बात करते हैं प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि स्टेम्स के तौर पे हम फूड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक। अब बात करते हैं प्लांट लीव्स एज फूड, जिसमें आते हैं स्पेनिच, कैबेज, ठीक है, लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। अब बात करते हैं चौथा नंबर पे आता है फ्लावर्स एज फूड, जैसे कि फ्लावर्स ऑफ बनाना प्लांट, पम्पकिन प्लांट, सनफ्लावर, जैस्मिन, तो ये फ्लावर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम फूड के तौर पे करते हैं। अब बात करते हैं अगला जो है कि फ्रूट्स एज फूड, यानी कि एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, पियर्स, बनाना, प्लम्स, गुआवा। अब बात करते हैं सीड्स एज फूड, जिनमें आते हैं व्हीट, राइस, मैज, मिल्क, पीज, पल्सेस, मस्टर्ड, ग्राउंडनट और सोयाबीन। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो में शुरू से बने होंगे, इसीलिए अब वक्त आ चुका है आपको वो एडिशनल फैक्ट बता देने का जिसका प्रॉमिस मैंने आपको वीडियो के शुरू में किया था। एडिशनल फैक्ट नंबर वन, जो ग्राउंडनट है और जो मस्टर्ड सीड है, इन्हें हम ऑयल सीड्स कहते हैं, यानी कि इनका जो इस्तेमाल होता है हम इसका इस्तेमाल एडेबल ऑयल के तौर पे करते हैं, यानी कि जो हम भोजन के तौर पे जो तेल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए हम ग्राउंडनट्स और जो मस्टर्ड सीड हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जिनका बोलते हैं हिंदी में सरसों और क्या बोलते हैं उसे, मूंगफली का दाना। और अब बात करते हैं एडिशनल फैक्ट नंबर दो, यानी कि मस्टर्ड प्लांट हैव टू एडेबल पार्ट्स, यानी कि जो मस्टर्ड प्लांट होता है उसका इस्तेमाल हम दो एडेबल पार्ट्स के तौर पे करते हैं। पहला
लीव्स के तौर पे जो है हम इस्तेमाल करते हैं उसके पत्तों को, यानी कि लीफी वेजिटेबल यानी कि सरसों का साग के तौर पे, और दूसरा उसके सीड को, मस्टर्ड सीड का इस्तेमाल करते हैं हम मस्टर्ड ऑयल बनाने के लिए यानी कि तेल बनाने के लिए। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।